उनके डिपार्टमेंट में हो जाता है। उसके बाद यह विषय विधानसभा में उठा। विधानसभा में 6 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री जी ने सदन के फ्लोर पर यह घोषणा की कि हम इसकी जांच कराएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। कहा कि 3 महीने में इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। 21 अगस्त 2018 को उन्होंने एक कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज किशोर रोही जी को अपॉइंट किया और कहा कि आप 3 महीने में रिपोर्ट दीजिए। 1.5 महीने 2 महीने बाद रोही साहब ने कहा कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर एक दूसरा जज अपॉइंट किया जाता है अक्टूबर 3, 2018 को, वो थे आरसी चौहान साहब। उनको कहा जाता है कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच करिए। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से जांच शुरू नहीं हुई है। 2019 का मार्च महीना आ चुका है। हमने जब विषय प्रस्तुत किया था तब से लेकर अब तक 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में महाराष्ट्र की जनता को और महाराष्ट्र के सभी माननीय विधायकों को यह आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर हम पूरी छानबीन रिपोर्ट दे देंगे। लेटेस्ट स्टोरी यह है कि पिछले 4 फरवरी को ये जो इंक्वायरी कमीशन थी, सिंगल जज कमिटी, उसका वो 3 महीने का टर्म पूरा हो गया, तो उसको अगले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। तो मैंने आज चीफ मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी है कि सचमुच आप करना चाहते हैं कि नहीं, ये बताइए। तो 3-4 सवालों के साथ उनको आज चिट्ठी भेज रहा हूं मैं, और ये चिट्ठी आपके साथ शेयर करता हूं। पहला प्रश्न यह है कि हैज जस्टिस आरसी चौहान स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग दिस इश्यू? इफ यस, वुड योर गवर्नमेंट अपडेट अस ऑन हाउ मच वर्क हैज बीन कंप्लीटेड टिल नाउ? जो मेरी नॉलेज है कि अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ जांच का। Why is the land in question still with Paradise Builders despite proof that they have acquired the land illegally? मुख्यमंत्री जी ने सदन के फ्लोर पर घोषणा की थी कि यह डील मैं स्टे कर रहा हूं और उसको जांच होगी, लेकिन आज भी उस बिल्डर के पास है, सिडको के पास, वो लैंड नहीं आया। Who is behind protecting Manish Bhatija and Sanjay Bhaleraw of Paradise Builders? आखिर ये भतीजे का चाचा कौन है, ये सरकार को बताना पड़ेगा, और अभी तक सरकार नहीं बता पाई। कोई ना कोई तो चाचा है और वो सरकार में बैठा है, जिसकी वजह से अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सारे पेपर्स हमने साफ साफ रखे जिसमें फ्रॉड एस्टैब्लिश होता है। चौथा पॉइंट, कैन योर गवर्नमेंट कंफर्म दैट प्रोब रिपोर्ट बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन बाई जस्टिस आरसी चौहान विल बी अवेलेबल फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र इन नेक्स्ट 3 मंथ्स? पांचवा सवाल है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लेट बैक एटीट्यूड डिस्प्लेड बाय योर गवर्नमेंट इन कंडक्टिंग ए थोरो इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस? का हमारा आरोप है कि मुख्यमंत्री जानबूझ करके इस पूरी लैंड स्कैम की जांच को टाल रहे हैं, और इसीलिए एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन और जज पे जज बदले जा रहे हैं। इसलिए जब मुख्यमंत्री ने सदन के में खड़ा होकर एक आश्वासन दिया है महाराष्ट्र की जनता को, तो उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदारी बनती है कि पूरे प्रकरण की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, साफ सुथरी जांच होनी चाहिए, और पता चले कि इस घोटाले में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो आज मैं चिट्ठी भेज रहा हूं और इसके साथ इनसे मांग कर रहा हूं कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये सिडको लैंड के बारे में। अब मैं चाहूंगा कि नसीम भाई, जो कल मुख्यमंत्री जी ने वहां पर एक बड़ा फ्रॉड किया है अपने सांसद महोदय के साथ बैठ करके, मैं करूँ उस फ्रॉड के ऊपर प्रकाश डालें। कैसे